क्या आपने कभी सोचा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है? हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक ईसाई नन जब अपना सारा जिस्म ढांकती है तो उसे बड़ी इज्जत दी जाती है कि उसने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया, पर जब कोई मुसलमान औरत ऐसा करती है तो लोग कहते हैं कि वो जुल्म का शिकार है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक यहूदी या सिख दाढ़ी रखता है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, पर जब कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है तो वो कट्टरपंथी कहलाता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई स्त्री घर पर सारा समय बिताती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो वो बहुत बड़ा बलिदान दे रही है, पर जब कोई मुसलमान स्त्री ऐसा करती है तो लोग कहते हैं कि वो चार दीवारी में कैद है और उसे आजादी मिलनी चाहिए। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई शिक्षक अपने सब्जेक्ट में आगे रहता है तो वो कामयाब शिक्षक कहलाता है, पर जब कोई मुसलमान लड़का इस्लामी शिक्षा में आगे रहता है तो उसका भविष्य बेकार समझा जाता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई यहूदी या ईसाई किसी का खून करता है तो उसका धर्म नहीं बताया जाता, पर जब कोई मुसलमान किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो इस्लाम को बदनाम किया जाता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लड़की किसी भी तरह के कपड़े पहनकर कॉलेज जा सकती है, पर जब मुसलमान लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज जाती है तो उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाता है तो उसे बहादुर और वीर कहा जाता है, पर जब कोई फलस्तीनी नागरिक अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे को गोली लगने से बचाता है और अपने भाई का हाथ दुश्मनों के हाथों तोड़े जाने से बचाता है और अपनी माँ और बहन की इज्जत बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ता है और अपने घर को आग लगाए जाने से बचाता है और अपनी मस्जिद की रक्षा करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कोई भी समाधान ले लेते हैं, पर जब उसका उत्तर हमें इस्लाम में मिलता है तो हम इनकार कर देते हैं। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ड्राइवर बेहुदा अंदाज से कार चलाता है तो कोई कार को दोषी नहीं ठहराता, मगर जब कोई मुसलमान गलती करता है तो इस्लाम को दोषी ठहराया जाता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लोग अखबार और मीडिया में बताई गई हर चीज पर यकीन कर लेते हैं मगर कुरान में लिखी बातों पर सवाल करते हैं, पर इन सारी चीजों के बावजूद आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म इस्लाम है।